हेलो चिल्ड्रंस, माय नेम इज़ रंजीत दांगी। अवर चैप्टर इज़ 8th क्लास 7th इंग्लिश मीडियम का। आज हम 7th चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है ना। और विच नेम इज़ अ स्टोरी ऑफ अ कैटरपिलर। कैटरपिलर की स्टोरी हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर ली है हमने इसकी, और आज हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। यहाँ पे वर्किंग टाइम दिया है और बोल रहा है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पर जो मैं, आप अपनी बुक लेकर बैठिएगा, मैं यहाँ पर रीड करता जा रहा हूँ। जैसे कि बुक में क्वेश्चन है हमारा, टेक द करेक्ट आंसर का पहला है कि लेट मी हायर यू अ नर्स, ठीक है ना। तो पहले में क्या आएगा, नर्स आएगा, पहले वाला जो क्वेश्चन होगा, फॉर माय पुअर चिल्ड्रन, ठीक है ना। वो क्या करना चाहती है, वो हायर करना चाहती है अपनी पुअर चिल्ड्रनों के लिए एक नर्स। फिर सेकंड वाले का जो आंसर होगा, आई फील वेरी सिक एंड पुअरली, वो क्या करती है, अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही मतलब गरीब समझती है, जैसा कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आएगा, तो इसमें थर्ड वाला जो आंसर आएगा, टिक द करेक्ट में थर्ड वाला होगा। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला का, अ प्रीटी सी हर चूजन इंडीड पुअर लेडी। फिर उसने एक पुअर लेडी को क्या किया, चूज किया है नर्स के तौर पर, ठीक है ना। तो जो थर्ड वाले में आंसर आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा कि हीट्स आर बेटर देन मी, जो टू हीट्स हैं, जो टू हेड्स हैं, आर बेटर देन मी, ओके। फर्स्ट वाला आंसर आएगा फोर्थ वाले में। फिर नेक्स्ट फिफ्थ है, एट लास्ट द जो लार्क्स होता है, लार्क्स वॉइस बिगेन टू हार्ड हियर्ड अगेन, दोबारा सुनाई देती है उसकी, जो लार्क है उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। फिर इसमें आपको क्या करना है, टेक द करेक्ट जो सॉरी जो क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको नहीं करने, ठीक है ना, उनको छोड़ देना है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। तो जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखिएगा, यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले वाला जो क्वेश्चन मैं आपको रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि व्हाट रिवार्ड डिड द बटरफ्लाई गिव द कैटरपिलर, कैटरपिलर को बटरफ्लाई ने क्या रिवॉर्ड दिया। तो सी गोल्ड डस्ट फ्रॉम हर विंग्स, द गोल्ड डस्ट फ्रॉम हर विंग्स, ठीक है ना। मतलब अपने विंग से एक गोल्ड डस्ट दी, गोल्ड डस्ट मतलब सोने, ठीक है ना, सोने के पंख कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, कि व्हाई डिड द कैटरपिलर नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉग, जो कैटरपिलर है वो डॉग से एडवाइस क्यों नहीं ले सकता था, कि सी फियर दैट कि ही वुड विस्क ऑल द कैटरपिलर्स द कैवेज लीव्स विद वन ब्रश ऑफ हिज टेल। तो वो क्या कर सकता है, अपनी पूछ से सारे के सारे जो कैवेज पत्तों पर जो बेचारे कैटरपिलर के जो बच्चे हैं उनको क्या कर सकता है, पूछ से हिलाकर, उसे डर था कि वो हिला के उनको गिरा सकता है, इसलिए वो उससे एडवाइस नहीं ले सकता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला का, व्हाई डिड द कैटरपिलर नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम द टॉम कैट से वो एडवाइस क्यों नहीं ले सकता था, ही वाज वेरी सेल्फिश एंड इंडिफरेंट, क्योंकि वह कौन था, वह वेरी सेल्फिश था और इंडिफरेंट था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के, हुम डिड द कैटरपिलर चूज टू टेक एडवाइस एंड वेयर डिड ही लीव। तो द कैटरपिलर सेंट अ मैसेज टू द लार्क लिव्ड इन अ नेबरिंग कॉर्नफील्ड। फिर उसने लार को मैसेज भेजा जो कि कहाँ रहता था, कॉर्नफील्ड पर रहता था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द लार्क टू द कैटरपिलर। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्या पूछा गया कैटरपिलर से, तो सी नेवर द लेस हैड लर्न द लास्ट लेसन ऑफ फेथ, सॉरी व्हाट डू यू थिंक दोज लिटिल एग्स विल टर्न आउट टू बी, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी, क्या तुम सोचते हो कि जो एग्स है ना वो जल्दी क्या हो जाएंगे, टर्न आउट कैसे होंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड द कैटरपिलर लर्न अ लेसन फॉर ऑफ फेथ फ्रॉम द लार्क। तो सी नेवर्थलेस हैड लर्न द लास्ट लेसन ऑफ फेथ एंड व्हेन, जब ही सा गोइंग इन टू हर क्राइजल, तो इस ग्रेव सी सेट आई शैल बी बटरफ्लाई समडे, कि मैं भी क्या होंगी, एक दिन बटरफ्लाई होंगी, ओके। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हु सेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लार्क और द कैटरपिलर राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो किसने किससे कहा, ये लिखना है हमको। तो टू हेड्स आर बेटर देन वन, ये कैटरपिलर ने कहा। What a time the lark has been gone, ये किसने कहा है, ये भी कैटरपिलर ने कहा है। और नो सच थिंग्स ओल्ड लेडी, sometimes simpler than that, something you can get a quite easily, तो ये भी कैटरपिलर ने कहा है। ओ आई बिलीव एवरीथिंग आई एम टोल्ड, ये भी किसने कहा है,
ये भी कैटरपिलर ने ही कहा है। ओके फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ई वाले पर, यूज द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो अस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, इनकी मीनिंग क्लियर होकर तो इनको बनाना है। तो यहाँ पे बनाएंगे आप, ही रिंग्स अप ऑन द चार्ज ऑफ पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, ठीक है ना। आई वंडर्ड इफ ही हैड लीव द सेंसेस, मुझे अच्छा लगा कि वो उसने क्या कर दिया है, अपने सेंसेस को छोड़ दिया है। सी इज वेटिंग सिंस लॉन्ग बिफोर 6 आवर्स से वो उसका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। हाउ राइट एंड ग्लोरियस वॉज द सीटिंग सन, सेटिंग सन सॉरी, दैट फेट मस्ट आर गोइंग नॉलेज इज रिटरेटेड बाय हिम, ठीक है ना, रिटरेटेड बाय हिम द पार्टिसिपेट आर गोइंग टू कंटेस्ट। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर लेना है क्वेश्चन नंबर ई वाले। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ग्रामर टाइम पर। तो ग्रामर टाइम में यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग, फिर यहाँ पर माय अंकल, तो यहाँ पे माय अंकल आपकी नाउन हो जाएगी, यहाँ पे हिज हाउस आपका नाउन हो जाएगा, फॉर यू यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा, और द मनी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। ओके नेक्स्ट है कि सप्लाई एंड नाउन फ्रेजेस इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर यहाँ पे क्या करना है, नाउन ही फाइंड करना है यहाँ पे भी, माई कार, माई फादर, दैट मैन, अ ग्रेट मैन, फूड, यहाँ पे सब सारी क्या है आपको फिल करनी है। ओके माई कार बनने हैं पहले में, दूसरे में माई फादर, तीसरे में दैट मैन, चौथे में अ ग्रेट मैन, और पांचवे में आपको फूड बनना है। ओके फिर मैच द फॉलोइंग पैरेसेस वर्ब विद देयर मीनिंग है, तो इनको मैच करना है। देखिए जो पहले का आंसर आएगा वो आएगा आपका सॉल्व, ठीक है ना, दूसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा आपको एक्साइटेड, और तीसरे का जो आंसर आएगा सेट असाइड का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका रिजर्व, और सेट इन का आंसर जो आएगा वो आएगा बिगिन, और टर्न अप का जो आंसर आएगा वो आएगा टू कैम सॉरी, फॉर टर्न अगेंस्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बिकम हॉस्टाइल, और रन डाउन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका टू ब्रिंग हेड नेम कंडम, और एट्थ वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा रन आउट ऑफ इट का जो आएगा आपका टू बी ओवर एग्जॉस्टेड। ओके तो ये आपको क्या करना है, मैच करना है। ओके फिर फन टाइम पे आ जाते हैं, फन टाइम है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पेरिडिकेट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमको सब्जेक्ट और पेरिडिकेट उठाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हर चाइल्ड है, और जो प्रेडिकेट है ना, डज नोट वॉन्ट टू स्लीप, डज नोट वॉन्ट टू स्लीप। ओके तो ये है, फिर नेक्स्ट वाले में है, नेक्स्ट वाले में आई हैव सब्जेक्ट है, और फिर प्रेडिकेट है सेंट अ टेलीग्राम टू माई फादर। ओके फिर थर्ड वाले में अवर ग्रैंड मदर है, और टेल्स अस नाइस स्टोरीज, ये आपका प्रेडिकेट है। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाले में आइएगा, दिस ओल्ड काउ, यहाँ पे नाउन है, और नोट गिव मिल्क, डज नोट गिव मिल्क, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। फिफ्थ वाले में आइए, द मेंबर्स ऑफ कमेटी, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इलेक्टेड मी चेयरमैन, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके और ये एक्टिविटी है, तो ये आपको अपने आप करनी है। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।